बरसात के समय में सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि बारिश के बाद में अगर जल भराव हो या पानी का भराव आपके कॉलोनी में या आपकी जहाँ मधुमक्खी रखी है वहाँ हो गया है, तो आप देखें कि कोई डब्बा ऐसा तो नहीं है, कोई बॉक्स ऐसा तो नहीं है जो ज़मीन पर टच हो रहा हो या उसकी गिरने की स्थिति हो। तो इसलिए जो भी बॉक्सेज हैं सारे सारे स्टैंड पर ही रखें, बरसात के समय में नीचे कोई भी बॉक्स ना रखें, और लगातार उनकी देखभाल करते रहें जिससे कि कोई बॉक्स खुला तो नहीं है या किसी में पानी जाने की स्थिति तो नहीं बन रही है। और इस तरह जो झाड़ियाँ हों उनको आप धीरे धीरे साफ कर दें। बारिश के समय में जहाँ भी आपकी डिवीज़न रखी है, जहाँ भी आपके बॉक्सेस रखे हैं, एकदम से इस तरह से घास फूस है तो एकदम सफाई करके रखें। जब सफाई नहीं रहती है तो जो बारिश में कीड़े मकोड़े होते हैं वो छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं और वो बॉक्सेस में पहुंचते हैं और फिर इस तरह से हमारी मक्खी को नुकसान पहुंचाते हैं। इस समय चींटों का भी प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप अपने जो बॉक्सेज हैं उनको लगातार चेक करते रहें। अगर आपके बॉक्सेज में चींटे आ गए हैं तो आप उनको झड़ाकर अलग कर दें और उसके बाद बॉक्सेस को अपना रखें, या फिर उन चींटों के लिए जो दवा वगैरह आती है वो आसपास डाल दें जिससे कि बॉक्सेस तक चींटे ना पहुँचें। राम प्रकाश जी, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बारिश काफ़ी तेज़ हुई है और ये पानी भी काफ़ी भरा हुआ है, तो ऐसे में किसी भी मधुमक्खी पालक को क्या करना चाहिए? वही ऐसे में लगातार देखभाल करनी चाहिए, पर कोई बॉक्स पानी वानी में तो नहीं है उसका दरवाज़ा, अगर पानी वानी में होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मक्खी मर भी जा सकती है। कोई दरवाज़ा वरवाज़ा बंद ना हो जाए, और ये ढक्कन वगैरह ये देखते रहें कि इसमें पानी ना जाए छत वत्तों में। और जैसे अगर पानी की निकास की व्यवस्था है तो पानी की निकास की व्यवस्था भी की जाए जिससे ये पानी जल्दी निकल जाए। बिल्कुल। और कोशिश करें कि आप जहाँ भी मक्खी रखें वो इतना ऊंचा स्थान हो कि तेज़ से तेज़ बारिश आने पर भी जल भराव कम से कम हो, कम कम समय के लिए हो। अब थोड़ा सा इन दिनों में थोड़ा सा ऊंचे पे ही रखी जाए तो ज़्यादा बढ़िया बात है। जी, बारिश का मौसम कभी भी आ सकता है, कभी आप साइट पे होते हो कभी नहीं होते हो, तो कोशिश करें कि ऐसी जगह आप अपनी मक्खी को रखें जहाँ पर पानी रुकने की गुंजाइश बहुत कम से कम हो और पेड़ पौधों की इस तरह से छाया भी अच्छी हो जिससे कि अगर तेज़ धूप निकले तो तेज़ धूप भी मक्खियों को ना लगे। और अपने बॉक्सेस के आसपास इस तरह से सफाई ज़रूर करते रहें, सफाई बहुत ही आवश्यक है, इस तरह से सफाई ज़रूर रखें। और बारिश के मौसम में निरंतर अपने बॉक्सेस को सुबह शाम या जब भी मौसम ख़राब लगे तो उस समय चेक करते रहें कि आपके कोई ढक्कन टूटे हुए तो नहीं है या कोई बॉक्स बहुत ज़्यादा नीचे ज़मीन के पास तो नहीं है, इस तरह से आप उसको निरंतर चेक करते रहें। बरसात के समय में काफ़ी कुछ रोग भी आते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं ये जाला लगा हुआ है, ये गिड़ार की वजह से है। आप अभी आप यहाँ पे देखेंगे आपको ये गिड़ार दिखाई देगी, तो ये जब जो छत्ते बारिश के समय में खाली होते हैं या जो बॉक्सेस खाली होते हैं उस समय ये गिड़ार आ जाती है और इस तरह से अपना वो जाला बना लेती है और छत्तों को ख़राब तो करती है। इसके लिए क्या करना पड़ता है रामप्रकाश जी? इनकी सफाई करनी पड़ेगी इसकी। अब जैसे मान के चलो ये पेटी जब खाली हो जाते हैं ना, मक्खी नहीं रहती है तब ये दिक्कत आती है। अच्छा, अगर मक्खी रहेगी गर्मी की वजह से जब चली जाती है, गर्मी की वजह से नहीं जाती है, जैसे इधर में ये गिड़ार लगी है या किसी कारण बस मक्खी की इसमें चली गई, कम हो गई है इसलिए ये गिड़ार आई है। अच्छा, अगर इसमें मक्खी रहती तो आती ही नहीं, छत्ते निकालने पड़ेंगे। इस बॉक्स में कुछ ज़्यादा ही प्रकोप है इसका गिड़ार का, तो ये इनको निकाल के साफ किया जाएगा फिर रखे जाएंगे। आप जहाँ भी अपनी साइट रख रहे हैं, जहाँ भी अपनी कॉलोनीज और बॉक्सेस लगा रहे हैं, एक बार पहले इस बात को सुनिश्चित कर लें कि वहाँ पर बरसात के समय में जल भराव की समस्या तो नहीं रहती है अथवा पानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा तो नहीं भरता है। जहाँ भी रखें वहाँ पर छाया की अच्छी व्यवस्था हो, अगर पानी का भराव होगा तो इससे जो आपकी मक्खियाँ हैं वो उनको भी नुकसान होगा, साथ ही साथ जो कीड़े मकोड़े होंगे वो बचने के लिए अपना आश्रय आपके डब्बों में ही ढूंढेंगे जिससे कि आपको आगे चलकर नुकसान हो सकता है और ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा।